धक्का मिले यार, कपिल भाई जुट रहे हैं चा बनाने खातर भाई। और यो व्यू है भाई पीछे, हलवा टाइप का बनता है, हलवा टाइप का भाई जो अपने हलवा टाइप का बनता है इसको। तो अभी काली घाटी से हम वापिस चलेंगे भाई। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ भाई। अभी हम रुके हैं काली घाटी भी भाई, और सबकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है भाई, और मेरी तो 3 दिन हो गए कुछ भी खाए पिए भाई। तो अभी हम वापस चलेंगे, भोलेनाथ जी वहाँ पे है। तो अभी काली घाटी से हम वापस चलेंगे भाई, क्योंकि आगे डॉक्टरी के लिए कोई भी प्रबंध नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आपको वापस जाना चाहिए भाई। पिछली बार यात्रा अच्छी हुई थी, इस बार दिक्कत हो रही है, तो भाई चल रहे हैं वापस। ना थोड़ा आगे चल गए हैं, थोड़ा ज्यादा आगे चलना है, 2-3-4 किलोमीटर। लो भाई सुबह की गर्मा गर्म चाय, बहुत दिनों बाद चाय पी है भाई, और दूध वाली तो सूखा दूध ही होता है भाई यहाँ पे। ये देखो भाई, काली टॉप से पहले कैंप लगा हुआ है भाई। जय भोलेनाथ अंकल जी। जय शंकर। कब चढ़ाई शुरू की थी आपने? हमने तो कल शाम को। कल शाम को वहाँ से है? नहीं, परसों, कल सुबह। कल सुबह वहाँ से। लो भाई अंकल जी हिम्मत मार रहे, हम तो वापिस आ गए। अंकल जी और ने हिम्मत दिखाई है भाई, और भाई और लगे हुए हैं सेवा में भाई, क्योंकि कैंप ना हो तो फिर कैंप वगैरह भी चलाना जाए फिर तो। कैंप वगैरह भी चलाना है, लेकिन सही, कल बड़ा मुश्किल था मामला। हाँ, थाचुड़ू की तो है ही सबसे। कल थाचुड़ू की। हाँ, थाचुड़ू की सबसे ज्यादा, या फिर लास्ट दिन, और या फिर ये नहीं, एक्चुअली हम सोचते कुछ है और होता कुछ है यहाँ पे। हम सोचते पता नहीं क्या कर देंगे और कितने क्या नहीं, लेकिन क्या करवाएगा ऊपर वाला वो डिपेंड करता है। ले भाई अभी खाई है मैगी, पहली मैगी थी भाई मेरी तो ये, क्योंकि उस दिन से तबीयत खराब चल रही थी। अब सोचा कि नीचे उतरना भाई, आएंगे लोग मौसम आते रहेंगे। सही कर कपिल भाई, खस दी मेरी तो पहली मैगी थी, पहली थी भाई, मैं खाया तो सही। हाँ, कुछ तो खाया ना, तो कुछ बेहतर। सही बात है, सायरन मैगी टेस्ट कर ली थी भाई, मेरी यात्रा की पहली मैगी थी। हर हर महादेव भाई, धरंडी की हुई थी। अब भाई ने सेट करी है, क्या नाम है भाई अपना? सूरत कश्यप। सूरत कश्यप भाई, भाई ने बहुत हेल्प की। एक ये क्या बना के दी थी चीज? ये हम बोलते हैं लोकल डिश है हमारी, इसको बोलते हैं आटे के, मतलब को हलवा टाइप का बनता है। हलवा टाइप का भाई, जो अपने हलवा टाइप का बोलते हैं इसको बाली। बाली? हाँ जी, बाली बोलते हैं भाई। भाई घी के बीच खाते हैं, जो लोकल घी है यहाँ का उसके बीच हम इसको बनाते हैं, उसको खाते हैं। और ये हेल्थी खाना है। हाँ भाई, मतलब देसी घी लगा के भाई ने दिया, कुछ नहीं पड़ता है, पानी के बीच आटा डालो, नमक डालो, बस फिर देसी घी होना चाहिए। हाँ, जैसे हलवा बनाते हैं हरियाणा में उस टाइम। हाँ, बस सेम ऐसी बने। भाई ने पूरी पूरी हेल्प की। ये कौन सी जगह है पे था कैंप? 30 व्हील बोलते हैं यहाँ, 30 व्हील पे भाई भाई का कैंप है। और अब गर्मा गर्म सूप। लो भाई 6 घंटे हो गए उतरते हुए हमको, और ये टाइम लगभग 4 घंटे और लाग जाएंगे सुनील भाई। 4 घंटे 3-4 घंटे 3-4 घंटे और लाग जाएंगे भाई। स्लो स्लो उतरन लाग रहे हैं आराम तक। दराटी नाला की, मतलब जो नाला है, नदी है, वह उसकी साउंड सुन लाग रही भाई। जय भोलेनाथ। ओह ले भाई, 1 बज गया है उतरते हुए, लगभग 7 घंटे हो गए, और पहाड़ों की वादियों में बैठे हैं भाई। मौसम है उसम, मतलब देसी भाषा में बदलवाई हो रही भाई, और मेरी चेस्ट की बदलवाई हो रही है, पूरा दर्द होने लग रहा है। तो लगभग 2 घंटे हम नीचे उतर जाएंगे भाई, 3-4 बजे के आसपास उतरेंगे भाई शायद। तो मिलते हैं आपको नीचे दराटी नाले में। लगभग हमारे 2 बंदे दराटी नाला में उतर गए हैं। भाई लगभग नीचे आ गए हैं, जो ये बुले से रास्ता पिंगल के धराटी नाल आ गया भाई। और अभी सभी भाई कर रहे हैं स्नान, हाथ पैर धो रहे हैं भाई, और मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, तो मैं अभी बैठा हूँ बैगो के पास भाई, और पास में बैठा भैरवनाथ भाई। ओ उस साइड ना रुस है, देख लो भाई नाराज हो रहा है। लो भाई लगभग नीचे पहुंच गए, 20-30 मिनट का रास्ता रह गया, ये सीढ़ियाँ आ जाती है भाई। अभी फोटो शूट चल रहा है, और डोगी भैया हमारे भैरवनाथ जी। देखो भाई पानी कितना नीला है, गजब। लो भाई नीचे पहुंच चुके हैं, और दर्शन अब की बार नहीं हुए, काली टॉप तक गए थे भाई, क्योंकि मेरी ज़्यादा तबीयत खराब थी,
तो मेरे बगैर ये चार बंदे भी नहीं गए रोकी और भी, क्योंकि बोले कि हमारा फर्स्ट टाइम है, तो भाई मैं नहीं गया तो ये भी नहीं गए भाई। तो चलो किस्मत में, क्योंकि बंदे ऐसे ही मिले जो छठी बार थे, एक अंकल बोले कि पांच बार से दर्शन नहीं हो रहे, तो पहली बार आया था 2023 में, दर्शन हो गए थे अब की बार शायद, मतलब क्या पता कोई गलत चीज़ होनी लिखी हो भाई, भोलेनाथ ने अच्छा किया हो तो कोई ना, नेक्स्ट टाइम जरूर भाई। अगर आप भी यात्रा पे आ रहे हो ज़बरदस्ती ना करें भाई, जहाँ तक ये लग रहा है कि तबीयत ख़राब हो रही है तो आप वापस टर्न जरूर ले लें, और वरना दर्शन करके ज़रूर आए भाई अगर स्वस्थ हो तो। जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। अभी नीचे पहुँच चुके हैं भाई, ये ट्रैकर देख सकते हो आप। लो भाई चल पड़े हैं श्रीखंड महादेव से घर के लिए भाई, और टाइम हो चुका है, 5 बज चुके हैं भाई, 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे जितनी देर भी कपिल भाई चलाएंगे गाड़ी तो वहाँ पे वास्ते आ जाए। वास्ते भाई मतलब कोई फिक्स नहीं कर रखा भाई, शिमला हो रामपुर हो मतलब कोई भी हो वहाँ पर स्टे कर लेंगे, कल सुबह उठ के और फिर चलेंगे भाई हिसार के लिए, क्योंकि आज सारे थके हुए हैं भाई, ऊपर से नीचे उतर के आए थे। और रास्ता देखो भाई आगे का दिखाता हूँ, ये संकरे और सांप टाइप के रोड, और ये देखो भाई हमारे रोकी पाजी भाई छाती खोल के बैठे हैं, नहाना है, बस 3 दिन हो गए भाई नहाए। हाँ सिर्फ 3 दिन हो गए भाई नहाए। ले भाई अभी 70-80 किलोमीटर निकले हैं, और आज हम करेंगे यहाँ पे स्टे भाई होटल में, क्योंकि पूरी रात तो गाड़ी चलेगी नहीं, तो आज का हमारा स्टे यहाँ पे भाई पहाड़ी सोल, यहाँ पे खाना खाना है और रहना है भाई। यो हमने भाई रूम लिया है 2 मैटर्स और रूम, और रूम का देखो भाई बैकग्राउंड नज़ारा देखो, बालकनी के अंदर से गजब का व्यू है भाई, दिन में तो सुपर व्यू। ये अपना रूम है और यो व्यू है भाई पीछे का, गजब सुपर। देखो भाई घर तक जान में लगभग लगने चाहिए 10-12 घंटे, 80 किलोमीटर निकल के आ गया, जो मुश्किल रोड था वो कवर करके आ गया। हाँ भाई हो गए रेडी, लो रेडी हो गए हैं, सॉरी पानी तो पिए लेकिन पुणी का क्या चक्कर था। हाँ बताओ यार, हरियाणा ही बादशाह भाई। लो भाई सुबह की गर्मा गर्म चाय, ओरियो बिस्कुट और चाय, और कैंटी वाला भाई खतरनाक तरीके से सुसा रहे हैं, क्यों क्या भाई ना भाई, मेमरीन क्यों है, अगर मेरे दर्शकान तो कौन बेरा मेमरीन हो गया कि अगर मेरे दर्शकान तो कौन बेरा आरोग्य अंदर होती है जो ब्लॉक हो जाती है भाई। अच्छा अच्छा, और कपिल भाई क्रीम के बिस्कुट और चाय भाई, और रोकी भाई जय जय शिव शंभू। देखो भाई भगत आदमी है भाई, वो बेचारा सारी रात ही एक चादर बिछा के नीचे सोया। यो के था इसका स्पेस दे रखा है इसका गोद के पक्ष में, हमने थोड़ा बता नहीं सकते। यो बंदा ऐसा भाई कि मैं बोल दो ना नहीं है, जो जो बोले क्रीम वाले बिस्कुट भी खा लेगा, चरचरे भी खा लेगा, सारे खा लेगा। सब पता भाई अपना, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं है। हाँ लो बच्चारी, ये मतलब ऐसे ये सीधा ऐसे ही खाने का होता है क्या, मतलब लास्ट तक ये इतना पकता है, ये क्या बेल वगैरह होता है या पेड़ होता है इनका भी? पेड़ भाई, भाई रुकवाया था ये पीछे से, हमने नंबर ले लिया फोन करके और ये रुकवाया हमने, और हमने सोचा सेब मिलेंगे भाई के पास, लेकिन फिर चेरी थी भाई के पास। लो भाई हरियाणा में आके ना बढ़िया चाय पीने का मौका मिला, कपिल भाई जुट रहे हैं चाय बनाने का, भाई कैंपिंग का जो मजा लेना था वो ले पुन पाए, तो ये कैंपिंग का कैंपिंग में बना लिया करोगे भाई हैं सब कुछ, मतलब छोटा गैस चूल्हा मैगी मूगी सारा इस तरह का लेके जाना पड़ेगा करेगा। और भाई द्वारा रुके थे, के नाम है भाई, अरमन है अपना, केसी भाई का नाम है। अरे रुके यहाँ चाय बनाने का खतरा, कपिल भाई मारा सारा खतर चाय बनाना देख रहे हैं, और वही गाड़ी में रुक गया भाई, इतना काम उसने
छुट्टी पड़ रही है स्कूल की वह गर्मिया की छुट्टी में मजा आवे है नहीं वैसे लेकिन कम गेड़ है 30 दिन की पड़ा है ना ज्यादा होनी चाहिए गर्मिया की छुट्टी 2 महीने की होनी चाहिए ना 25 नंबर की कौन सी क्लास में हो रहा है 4th फुल इंग्लिश आवे यार ये ओ बाप है वाह सैनी साहब मान गया भाई ले भाई 44 का टेम्परेचर हो रहा है गांव में देखो कितना तगड़ा ये हो अगर हरियाणा है चस्कू देख लियो भाई चाह पीने लायक रही हाँ 44 टेम्परेचर में और सबसे बड़ा फैन है चाह का मरमा कपिल भाई भाई बोले 4 डिग्री हो जो 55 तापमान है बोला फिर भी पीऊंगा यो कौन सा टोल है या जगह कौन सी है अंबाला है टोल तो परली साइड अंबाला है ले भाई देख लो उस साइड है अंबाला है अरूर है कुरुक्षेत्र भाई देख लो जहाँ मतलब बॉर्डर पकड़े यहाँ पे जो है गर्मा गर्म चाय भाई